कांग्रेस के दिग्गज नेता एवं प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री रामेश्वर पटेल का जन्मदिन उनके निज निवास पर बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान उन्हें बधाई देने वालों का मानो जन सैलाब उमड़ पड़ा। लंबी लंबी कतारें बधाईकर्ताओं की देखने को मिली। वहीं इस मौके पर उनके दोनों बेटे राधेश्याम पटेल और पूर्व विधायक सत्यनारायण पटेल भी मेहमानों से मेल मिलाप करते नजर आए। देखिए इस रिपोर्ट में। राजनीति के सरताज, किसानों की आवाज, जन सेवा के प्रति जीवन समर्पित कल और आज, ऐसे ही कांग्रेस के दिग्गज नेता बाबूजी यानी रामेश्वर पटेल के जन्मदिन पर प्रदेश के कोनों कोनों से लोग जन्मदिन की बधाई देने पहुंचे। बधाई देने वालों की लंबी लंबी कतारें बाबूजी के सियासी गहराई और पेट को बयां करती हैं। जन्मदिन समारोह में जहां एक ओर नेताओं का जमघट लगा तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का मेला सा लग गया। इंदौर की सियासत के बाबूजी किसानों की आवाज कहे जाते हैं। यही नहीं, पूरा राजनीतिक जीवन जनसेवा में समर्पित कर दिया। बिना थके, बिना रुके बाबूजी जनसेवा में जुटे रहे। शायद यही कारण था कि बधाई देने वालों का हुजूम उमड़ पड़ा। इस मौके पर बाबूजी ने मीडिया से चर्चा के दौरान सभी शुभचिंतकों का धन्यवाद ज्ञापित किया। इस मौके पर पूरे प्रदेश की खुशहाली की कामना करते हुए भी वे नजर आए। मेरे जन्मदिन पर मेरे बहुत पुराने मित्र जो 40 साल से मेरे साथ काम कर रहे हैं और नए भी जो हमारे युवक लोग हैं सब गिरते पानी में मेरे लिए यहाँ पर आए, इसलिए मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ और वो उनका हमेशा मैं ऋणी बना रहूँगा। नहीं, जितना मैंने लोगों का काम किया है उतना वापस लोग मेरे को लौटा भी रहे हैं, प्यार के माध्यम से, आशीर्वाद के माध्यम से, और बराबर उनसे मेरा संपर्क बना हुआ है। प्रदेश में अच्छी शांति हो, किसानों की तरक्की हो, मजदूरों की तरक्की हो, व्यापारियों का ठीक काम चले, सबको मेरी शुभकामनाएं। वहीं इस अवसर पर पूर्व मंत्री रामेश्वर पटेल के दोनों बेटे राधेश्याम पटेल और सत्यनारायण पटेल भी मेहमानों से मेल मिलाप करते नजर आए। साथ ही पूरा परिवार इस खुशी के मौके पर उनकी लंबी उम्र की कामना करते हुए नजर आया। बाबूजी ने जो सूझबूझ से इस कांग्रेस को संगठित करके इतने पुराने कांग्रेस, जब जो हालत कांग्रेस की थी उसको उभारने की जो क्षमता है आदरणीय रामेश्वर पटेल जी में है, बाबूजी में है। उन्होंने ऐसे समय पर कांग्रेस का साथ दिया है कि जहाँ कांग्रेस कहीं ना कहीं बहुत कमी थी, उसको आज ये जन्मदिन मनाने में इतनी हमें अपने आप में इतने सौभाग्यशाली हम समझ रहे हैं कि उनको जन्मदिन मनाने का हमें अवसर मिला है। और उनको बहुत बहुत शुभकामना पूरे इंदौर जिला कांग्रेस की तरफ से, मेरे यादव परिवार की तरफ से, और एक पिता और पुत्र का जो संबंध होता है उस संबंध की तरीके से उन्हें कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ और उन्हें बहुत बहुत शुभकामना और बधाई प्रेषित करता हूँ। बाबूजी को, पहले तो बाबूजी को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, उनका आशीर्वाद हम सभी लोगों पर बना रहे। आदरणीय हमारे बाबूजी को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामना देने के लिए हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं और हम मध्य प्रदेश यूथ कांग्रेस की तरफ से, पूरे प्रदेश की तरफ से बाबूजी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। वहीं इस मौके पर इंदौर ग्रामीण कांग्रेस अध्यक्ष सदाशिव यादव, कांग्रेस नेता दीपक राजपूत समेत उनके तमाम समर्थकों ने शुभकामनाएं दी। इंदौर जिले नहीं पूरे प्रदेश के
सहकारिता पुरुष के नाम से सम्मानी रामेश्वर पटेल जी बाबूजी को जाना जाता है। आप अर्जुन सिंह जी के मंत्रिमंडल में मंत्री रहे हैं और आपके सुपुत्र राधेश्याम पटेल वो भी विभिन्न पदों पर रहे हैं। उनके दूसरे सुपुत्र सत्यनारायण पटेल वो भी जिला पंचायत के अध्यक्ष और विधायक के रूप में आपने देखा है। आज जो ये जलसा जितना भी आया है ये रामेश्वर पटेल जी के स्नेह और प्यार के कारण पूरे जिले नहीं पूरे प्रदेश के लोग यहाँ पर आए हैं और सम्माननीय बाबूजी को जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं। हम भी सारे लोग विगत 8-10 दिनों से पूरे सभी लोगों को खबर करके सब लोगों को यहाँ बुलाया भी गया है और कई लोग अपने पूरे मालूम पड़ा वैसे ही लोग यहाँ पर आपके सामने जितनी भी भीड़ जो लगी है भोजन के लिए इधर उधर जितने भी लोग लगे हैं वो बाबूजी का स्नेह और प्यार है। बाबूजी यूँ तो सभी प्रेम से बाबूजी को बाबूजी बोलते और उनका एक बहुत जीवन का बड़ा लंबा संघर्ष रहा, आज उनका जन्मदिन है तो सभी कांग्रेस के और सभी लोग मिलकर हर्षोल्लास से उनका जन्मदिन मना रहे हैं। भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि वो हजारों साल जिए, इसी उम्मीद के साथ हम सब मनाने आया आज बाबूजी का बर्थडे। कुल मिलाकर पूर्व मंत्री रामेश्वर पटेल के जन्मदिन के मौके पर पूरा परिवार मेहमान नवाजी करते हुए नजर आया और धूमधाम से बाबूजी का जन्मदिन मनाया। ब्यूरो रिपोर्ट, MP News, इंदौर।